खामोशिया बेचैनिया ना दानिया। चंदू लगता है वो लोग आ गए। जाओ खोलो। क्या खोलूं? अरे मैं दरवाजा खोलने को कह रही हूँ यार नंदू। अरे चंदू मैं अकेला नहीं जाऊंगा यार, तुम भी साथ चलो। क्या है यार नंदू? चलो। हाय हाय हाय। अरे बाबा। आप लोग रोइए मत प्लीज। हम लोगों ने डिनर बनाया है। अरे हम डिनर की वजह से नहीं रो रहे, हम तो किसी और वजह से रो रहे हैं। चंदू मुझे लगता है ये लोग डेजर्ट की वजह से रो रहे हैं। नंदू डेजर्ट ने इन लोगों का क्या छीन लिया है? अरे मेरे बोलने का मतलब है हमने डेजर्ट नहीं बनाया ना, इसलिए रो रहे। अच्छा उस वजह से। अरे अरे आप लोग रोइए मत, डेजर्ट हम लोग बाजार से मंगवा लेंगे। क्या खाएंगे, कुल्फी खाएंगे? नहीं हम डेजर्ट की वजह से भी नहीं रो रहे। अरे तो क्या हमें खाने के लिए रो रहे? नहीं हम तलाक के लिए रो रहे। क्या तलाक? ये कौन सी डिश है, मैंने तो बनाई नहीं। अरे ये कोई डिश नहीं है, हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। हे पर किससे? किससे नहीं है, दूध ले रहे हैं। क्या? हाँ इत्मीनान से बोलिए। इत्मीनान से? अरे आगे बोलिए। बोल तो दिया इत्मीनान से। अरे नहीं मेरे कहने का मतलब है कि आप और पंख भाई साहब डिवोर्स ले क्यों रहे हैं? पंख ने ना मुझे भैंस का। Really? अब आप ही बताइए क्या मेरी सूंड है जो उसने मुझे हाथी कहा? मुझे नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? कि आपकी सूंड है या नहीं? अरे सूंड नहीं है तो क्या हुआ, पर वो आदमी हाथी जैसा फैला हुआ तो है ना। और ये बात आपको अब पता चली है? सच है ना? सच्ची है ना? हाँ है। आज ही मुझे उसका असली रूप देखने को मिला। अच्छा जी। उसने मेरी डबल रोटी खा ली और जब मैंने कंप्लेंट किया तो कहा मैं हाथी जैसा हूँ, ज्यादा खाऊंगा तो फट जाऊंगा। कितना गलत कहा ना उन्होंने। इसीलिए मैं अब उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं उस भैंस से तलाक लेना चाहता हूँ, इसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं वकील थोड़ी ना हूँ। आप समझिए नहीं, हमने ना अपने सेकेंड हनीमून के लिए मलेशिया का टूर पैकेज लिया था और अब हमारा तो कोई बेस्ट फ्रेंड है नहीं, आप ही लोग हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, तो हम ये पैकेज आपको देना चाहते हैं। अब ये टूर पैकेज हमारे किसी काम का नहीं, अब आप लोग ही उस पे घूम आना। अब आप इतना टॉर्चर करके बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं। छोड़िए। मलेशिया सेकंड हनीमून वो भी फ्री। मैं चली देखो प्यार की गली, मैं चली यप्पी। चंदू ये प्यार की गली नहीं है, ये तो सोफा है। अरे यार मैं खुशी से गाने गा रही हूँ। खुशी से? मुझे तो लगा तुम मुंह से गाना गा रही हो। छोड़ो यार। लो छोड़ दिया। अरे यार मैं इसे छोड़ने को नहीं कह रही हूँ। एनीवे तुमने अपना सामान रख लिया? हाँ चंदू मैंने पैक तो कर लिया, पर तुम देखो ना मुझे छोड़ने के लिए कह रही हो, फिर मैं मलेशिया में क्या पहनूंगा यार? मेरा सर। सर? पर चंदू तुम्हारा सर तो बहुत छोटा है, उसके अंदर मैं आऊंगा नहीं ना। प्लीज नंदू बकवास मत करो, आज के दिन ना मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अरे तुम खुश हो तो मैं बकवास कैसे बंद कर सकता हूँ?
क्या कहा? मैं तो ये पूछ रहा था चंदू कि तुम खुश क्यों हो? अरे यार तुम भी ना, सेकंड हनीमून फ्री मलेशिया का टिकट, खुश होने वाली बात नहीं है क्या? उसका क्या फायदा चंदू, पिछली बार भी तो तुम्हें हनीमून पर लेकर ही गया था ना, लेकिन तुमने मुझे कहाँ कुछ करने दिया। हाँ तो पिछली बार लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा के नाम पर तुम मुझे कुतुब मीनार दिखा कर लाए थे। अब इस बार लेकर जा रहा हूँ ना सीधा मलेशिया। अरे चुप करो। अरे भला हो चंडोलास के झगड़े का, जिसकी वजह से हम मलेशिया में फ्री का हनीमून मनाएंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक टिकट्स अपने हाथ में आई नहीं। क्या पता अगर उन लोगों ने इरादा बदल दिया तो। क्या शुभ शुभ बोलो यार। शुभ शुभ। चुप करो यार, पर ये अभी तक टिकट लेके क्यों नहीं आए? लो आ गया है। भगवान अंकल आपको भेजा है लेके। तुम्हें कैसे पता चला? अरे कैसे वैसे, ये सब छोड़ो ना, जो देने आए वो दीजिए जल्दी। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सारे मोहल्ले के लिए है। क्या पूरा मोहल्ला हमारे साथ हनीमून पर चल रहा है? जी जी जी। अब भगवान अंकल आप किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात तो मैंने आज सुबह अपनी गर्लफ्रेंड से की थी। अरे मैं टिकट की बात कर रही हूँ यार। ये क्या कह रही हो तुम, मेरी गर्लफ्रेंड ने किस करने पर कोई टिकट नहीं लगा रखी है। अरे यार हम मलेशिया की टिकट की बात कर रहे हैं जो आप लेकर आए। मैं कोई मलेशिया की टिकट नहीं लाया हूँ। अभी तो आपने कहा कि आप लेकर आए हैं। अरे भाई मैं तो सोसाइटी की रसीद लेकर आया हूँ। ये रही रसीद आपकी, संभाल लो। अच्छा तो आप ये मोहल्ले में बांटने की बात कर रहे थे? हाँ नहीं तो और क्या। वैसे ये मलेशिया का चक्कर क्या है? दरअसल भगवान अंकल हम लोग ना अपने सेकंड हनीमून के लिए मलेशिया जा रहे हैं। भगवान मलेशिया वालों की रक्षा करे। वैसे ये कौन बेवकूफ तुम लोगों को मलेशिया की टिकट दे रहा है? आपसे मतलब है? आपसे मतलब? लेकिन इस नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता हमारी सोसाइटी में। मुझे भी बता दो यार, मैं भी हनीमून की टिकट लेके आऊं। अरे यार अब जाइए यहाँ से। अरे मैं टिकट ले लूं तो जाऊं ना हनीमून के लिए? वैसे तो मैं 7 बार जा चुका हूँ हनीमून के लिए। क्या हनीमून पर 7 बार जा चुके? कैसे? अरे मेरे 7ों पापा अपने साथ मुझे ले गए थे हनीमून पर। इसका मतलब आपके माँ बाप अपने हनीमून पर आपको साथ में लेकर जाते थे? और नहीं तो क्या, अपने रोमांटिक फोटो खिंचवाने के लिए ले जाया करते थे ताकि वो फेसबुक में डाल सके। पर भगवान अंकल आपके मम्मी डैडी के हनीमून के टाइम पर फेसबुक कहाँ से आ गया? अरे जहाँ से मैं आया वहाँ से फेसबुक आई। वैसे तुम्हें दे कौन रहा है हनीमून की टिकट? अरे नंदू यार बता दो वरना ये बहुत पकाएंगे, पूरा एपिसोड खा जाएंगे। अरे भगवान अंकल हुआ ये है कि नहीं हम तलाक के लिए रो रहे हैं। क्या तलाक? डिवोर्स ले रहे हैं। पर पर किससे? इससे नहीं है, दूसरे से ले रहे हैं। क्या? तो ये बात है तो भूल जाओ। हैं? अरे कैसे भूल जाए, ये वाक्या तो इसी एपिसोड में हुआ है, इतनी जल्दी कैसे भूल जाए? अरे मैं कह रहा हूँ इस टिकट को भूल जाओ। अरे अगर टिकट भूल जाएंगे तो हमें प्लेन में चढ़ने कौन देगा? तुम अपने खाली हवाई जहाज से उतर के नीचे आ जाओ जमीन पर। अरे जब जमीन पर आ जाएंगे तो मलेशिया कैसे पहुँचेंगे? अरे मलेशिया तो तुम वैसे भी नहीं पहुँच सकोगे, ये चंडोला तुम्हें टिकट देने वाला नहीं है। अरे क्यों नहीं देंगे, उन्होंने कहा है तो जरूर देंगे। अरे अभी तो मैं उनका मेंटेनेंस बिल दे के आ रहा हूँ। और मैंने जो देखा ये तुम लोगों के लिए खुशखबरी नहीं हो सकती। भगवान अंकल ये फैमिली शो है, ऐसी वैसी बात मत बोलिए। पर ऐसी वैसी बात तो मैं बोला ही नहीं। अरे यार ये बताइए ना कि क्या देखा। मैंने देखा चंडोला और उसकी बीवी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। है? ये तो बहुत खतरनाक बात है यार। हाँ खाना खाते खाते उन्होंने हमारा टिकट भी खा लिया तो। अरे शट अप यार, वो टिकट नहीं खाएंगे, लेकिन अगर दोनों साथ में खाते रहे तो हमारे अरमान जरूर खा जाएंगे। चंदू पर हमारे अरमान उनके पास है क्या जो खा जाएंगे? चुप करो, क्यों पकाते हो तुम? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चांदनी तुमने मुझे अभी क्यों बुलाया है? पंखुड़ी बहन आपने वो मलेशिया टिकट देने की बात की थी ना, उसी लिए बुलाया मैंने। अच्छा अच्छा, मैंने अपने ट्रैवल एजेंट से बात की है, वो आपको शाम को टिकट दे जाएगा। वैसे भी अब वो टिकट मेरे किस काम के हैं? हाँ बहन वो तो है, रब जी आपको सद्बुद्धि दे। हाँ
मैं पंख को तो संभाल नहीं पा रही हूँ, अब ये सदबुद्धि मैं कहाँ रखूंगी। अलमारी में रख देना, ज्यादा बड़ी नहीं है। कौन अलमारी? सदबुद्धि। अरे अरे पंखुड़ी बहन, पंखुड़ी बहन, अरे अलमारी में नहीं रखना तो मत रखिए, लेकिन आप रोइए मत प्लीज प्लीज। मुझे मेरे पंखे याद आ रहे हैं। क्या? मुझे मेरे पंखे याद आ रही है। क्या? हाँ नंदू, मुझे लगता है कि मुझे उसे भैंस नहीं कहना चाहिए था। वो तो मुझे भी पता है, भैंस बुरा मान गई होगी ना। क्या? अबे ब, 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 मेरा मतलब है कि उसने भी तो आपको हाथी कहा, और देखो आपकी तो सून भी नहीं है। सून नहीं है तो क्या हुआ, वो मेरा कितना क्यूट सा हाथी है। आई मिस हिम। अरे यार, अगर ये ऐसी इमोशनल होके रोती रही तो मेरा मलेशिया तो गया। नहीं नहीं, कुछ करना पड़ेगा। पंखुड़ी बहन, पंखुड़ी बहन, आप रोइए मत, रोइए मत। आपके एक एक आंसू का बदला हम उस पंख से लेकर ही रहेंगे। आज की औरत कमजोर नहीं है और ना ही भैंस है। मैं उसे पुलिस से पकड़वा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। जेल? हाँ। नहीं नहीं नहीं, जेल नहीं, वहाँ तो बहुत गंदा खाना मिलता है, और बेचारी तो वैसे भी कमजोर है, और कमजोर हो जाएगी। अरे तो होने दो ना पंख भाई, उसने भी तो आपको हाथी कहा था ना, उसकी कोई तो सजा मिलनी चाहिए उसको। अच्छा? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अब सर अब वो टिकट समय भिजवा देते तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है, मैं आपके टिकट शाम को भिजवा दूंगी, अब मैं चलती हूँ। हाँ पंखुड़ी बहन, अपना ख्याल रखा करो, कुछ खाया पिया करो, कितनी कमजोर हो गई हैं आप। बाय। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ।